ठंडी से रात में वैसे कोई भी नहीं होगा। क्योंकि ये रिलैक्स करने का काफ़ी ही अच्छा स्थान है और यहाँ से देख सकते हैं क्या ही शानदार व्यू है। और सामने यहाँ पे बर्ड बैठी है, ये देख सकते हैं उड़ गई। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो बारिश भी थोड़ी तेज़ होने जा रही है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ को। और बड़ा मज़ा आ रहा है अभी ठंडी सड़क में, तो बारिश भी तेज़ होने लगी है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे पेड़ों की छांव है, तो यहाँ पे बारिश नहीं आ रही है तो इस वक्त। और हम पहुँचने वाले हैं सामने, आप देख रहे हैं ये एयरेशन प्लांट है। और ये जो कि लेक के वेलफेयर में ये चीज़ें लगाई गई हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये प्लांट है। और ये रही ठंडी सड़क, सामने ही सर्कुलर एरिया आने ही वाला है। तो आइए एंट्री करते हैं, इसके अंदर भी चलते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ से आज के दिन कैसा व्यू है। और आप बारिश देख ही सकते हैं, यहाँ से काफ़ी ही शानदार व्यू रहता है लेक का। और हमें जाना है ऊपर की तरफ, और इधर है मलीताल। तो आइए चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी मलीताल की जर्नी पे। श्री माता पाषाण देवी जी के सामने से गुजर रहे हैं, और आप देखिए मंदिर का मुख्य द्वार है। और अभी सफाई चल रही है यहाँ, और काफ़ी ठंडा हो रहा है नैनीताल में। और देखें माता की ध्वजा क्या ही प्यारी रह रही है। और इधर की साइड से नीचे देखें तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है नीचे की तरफ। तो धुंध भी काफ़ी छाई है, आप मलीताल एरिया में देख सकते हैं, पूरा ही बारिश की जगह कोहरा है। और ये देखें, आइए चलते हैं। तो आप अगर देखें तो जो ये मेरा जैकेट है ये वाटरप्रूफ है, और बस मेरी जीन्स वाटरप्रूफ नहीं है, मेरे शूज़ भी वाटरप्रूफ हैं। तो ये आप देखें, मेरे शूज़ भी वाटरप्रूफ हैं और मेरी जैकेट भी वाटरप्रूफ है। बट मैं अपने बैग का जो वाटरप्रूफ कवर है उसे कैरी करना भूल गया था, मगर उसमें इतने ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही है तो हम कवर कर लेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आइए मलीताल पहुँचने ही वाले हैं। और ये देखें यहाँ से काफ़ी ही शानदार नज़ारा है, बोट्स खड़ी हैं। और इधर की तरफ देखें तो नैनी झील, सामने मॉल रोड, और ये ठंडी सड़क। तो आइए इसी पर कंटिन्यू करते हैं आगे। तो लगभग आज बोटिंग नहीं के हिसाब से हो रही है, और अगर बारिश होती है तो यहाँ पे प्रशासन भी बोटिंग थोड़ा रोक देते हैं, तो रेनी डे वाले दिन के लिए। तो ये आप देखें, तो काफ़ी ही शानदार ये व्यू लग रहा है यहाँ से। और आइए कंटिन्यू करेंगे आगे, और सामने ही श्री माता नैना देवी जी का टेंपल है। तो आइए आपको एक यहाँ पे बोट स्टैंड है, और वहाँ से ले चके चलता हूँ, और आपको वहाँ से व्यू दिखाता हूँ मंदिर का। तो आइए ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इस वे पे। तो आइए चलते हैं, और यहाँ पे आप देखें तो ये बोट स्टैंड का एरिया है। और आइए एक राउंड आपको अंदर ही लेके चलता हूँ, और देखते हैं यहाँ से कैसा व्यू है। और यहाँ से मंदिर का जो कि बहुत ही शानदार व्यू है। ओह शिट, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से जो कि बोटिंग्स के लिए यहाँ से टिकट्स लेते हैं। और अगेन मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, 420 फुल राउंड, 320 हाफ लेक राउंड। और ये आप देखें यहाँ से बोट स्टैंड है। और आइए चलते हैं, नीचे उतरेंगे। और अभी आप देखें तो यहाँ सावधानी से चलेंगे, तो यहाँ पे भी फिसलन हो सकता है। तो अब यहाँ से देखें, सबसे पहले मैं आपको यहाँ से लेक व्यू दिखाता हूँ। तो सामने यहाँ से हमारे अपोजिट में बोट हाउस क्लब है, और आज नैनी झील में बोटिंग आप देखें तो ना के बराबर है। और ये आप देखें, कोई बारिश पड़ रही है, और मे भी हो सकता है दिन में तेज़ हो। और आइए दर्शन कीजिए मंदिर के, श्री माँ नैना देवी जी का मंदिर है। और आज आप मौसम देखें, फिर भी काफ़ी भक्त श्रद्धालुगण जो कि कुछ भक्त लोग मंदिर में उपस्थित हैं, और मैं ध्वनि सुन पा रहा हूँ
घंटा ध्वनि, और यहाँ से इतना शानदार व्यू है मंदिर का। तो आइए, एंट्री कर लिया है और ठंडी सड़क जो कि पीछे ही छूट गई है। तो ये मार्केट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्मेटिक के शॉप हैं स्टार्टिंग में ही, और हम मुड़ेंगे राइट हैंड की तरफ को, और ये रास्ता सीधे जा रहा है आगे न्यू पालिका मार्केट। और इधर आप देख रहे हैं सुलभ शौचालय है। तो आइए हम इधर की तरफ चलेंगे। तो श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का मुख्य द्वार है ये। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं श्री माता नैना देवी जी का मुख्य मंदिर का द्वार है, मुख्य द्वार है। तो आइए, आए हैं तो आपको बाहर से मैं दर्शन कराने की प्रयास करता हूँ, अंदर तो नहीं जाएंगे। तो इधर देखें तो इधर जूते चप्पल उतारे जाते हैं, और सामने की तरफ माता जी का मुख्य मंदिर है श्री माता नैना देवी जी का। आइए, जय श्री माता नैना देवी जी, जय हो हनुमान जी। तो आइए सर्वप्रथम कराता हूँ आपको हनुमान जी के दर्शन। तो आइए कीजिए, और बाहर से ही देखें तो माता नैना देवी जी के आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि कैमरे से सीधा प्रसारण है, अंदर से लाइव कैमरा वहाँ पे रहता है माता जी के दरबार में। और आज श्री भोलेनाथ जी का दिन है, तो भगवान श्री भोलेनाथ महाराज जी का, जो कि आप देख सकते हैं शिवलिंग सामने ही स्थित है, और काफ़ी भक्त श्रद्धालुगण वहाँ देख सकते हैं। तो पूजा अर्चना के लिए लोग आए हैं। तो इधर देखें, और माता जी का ये मंदिर है, मुख्य मंदिर है श्री माता नैना देवी जी का। इधर जूते चप्पल उतारने का स्थान है। तो आज देखें, यहाँ सामने ही तिब्बतन मार्केट, ये जो स्ट्रेट सीधे सामने मार्केट है, तिब्बतन मार्केट का एरिया है। और इधर की तरफ देखें तो आप हार्ड रॉक चाइना टाउन और रेस्टोरेंट्स हैं, और फूड ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी है। और सामने की तरफ देखें, ये भुटिया मार्केट है, और सामने गुरुद्वारा है उसके पीछे। तो अभी कुछ ऐसा यहाँ पे माहौल है, और आज जो कि बारिश भी हो रही है। तो व्यूवर्स आप देखें, आज नैनीताल में बारिश है, और न जाने कह नहीं सकते स्नोफॉल का ये आगाज़ है, या फिर चलिए देखते हैं जो कुछ भी होता है। तो आइए, चलिए समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और अब मैं निकलता हूँ घर, और फिर जल्दी मिलूँगा मेरे नई वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस, और चलिए, और आप लोग अपना ध्यान रखिए।